नहीं चलेगी, एरा पेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो चार दरवाजा, बंद करो, बंद करो, कुष्ठ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही। दो बार यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये जो हमारे लोग हैं इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है ठीक नहीं बनते, इसलिए इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, साथ साथ अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आज दो साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ रुपया एक पैकेज भेजा था और रिफ्यूजी में बांटने के लिए, आज तक दो साल तक एक पैसा भी लोगों के खाते में नहीं गया। यहाँ पर दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि रिफ्यूजियों का काम करते हैं, जिनके पास हमारे डॉक्यूमेंट हैं, एक तो पीआरओ जम्मू कस्टोडियन के पास हैं और दूसरा है तहसीलों के पास में। जब हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा जाता है तो डॉक्यूमेंट तो उन डिपार्टमेंट के पास हमारे हैं, वो हमको डॉक्यूमेंट बना के देते नहीं, एक बात। दूसरी बात है फाइल जब जहाँ हमारे जमा करवाते हैं या कर ली इन लोगों ने हमारी फाइल जमा, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन निकाल रहे हैं, तो ये सब एक भ्रष्टाचार जो पहले था उससे भी हायर लेवल पर अब भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हमारे लोग रिफ्यूजी लोग का खासकर कस्टोडियन के दफ्तर में हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं, लाइनों में खड़े हैं, लेकिन अंदर जो दफ्तर में बाबू बैठने वाले हैं वो बाबू जो खिसके हुए हैं और बाहर से जो लोग पैसा लेकर उनको लिस्ट देते हैं और वो उन लोगों की वो फाइलें लेते हैं, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ की जो जम्मू की जो लीडरशिप है, बीजेपी के जो लीडर हैं वो सोए हुए क्यों हैं? उन लोगों ने वादा किया था कि आप हमको वोट दे करके पावर में लाओ और हम आपके सारे काम करेंगे, आज वो कहाँ छुपे हुए हैं? दो साल हो गए हैं, हद हो गई है, लेकिन इसलिए हम मोदी जी से खास करके डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से हम अपील करते हैं, जितेंद्र सिंह जी से अपील करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। बांटने की प्रक्रिया पहले भी पूरी नहीं होती थी।